दोस्तों लोग कैसे सारे दोस्तों लोग आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों एक नया ट्रिक लेके आया हूँ। दोस्तों फोर प्लग और फोर स्विच को किसे कनेक्ट करते हैं आइए हम बताते हैं और सिखाते हैं। चैनल में नए हैं तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए आपको दिखाते हैं कनेक्शन कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा फोर प्लग और फोर स्विच बोर्ड रहा दोस्तों, जिसमें हम कनेक्शन कर दिए हैं। उसको सिर्फ आपको बता रहे हैं कि कैसे कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा बोर्ड और हम बता रहे हैं आपको, ये जो देख रहे हैं ये दोनों को हम सीरीज कर दिए हैं और ये इस सब को सिंगल सिंगल स्विच से एक एक कनेक्ट कर दिए हैं, यहाँ से यहाँ पे, फिर उसको यहाँ से यहाँ पे, फिर रह गया ये यहाँ से यहाँ पे। अब हमको मेन लाइन इससे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे इसका तरकीब हम बता रहे हैं फिर से। तो फाइनली हमारा बोर्ड रेडी हो गया है और कनेक्ट करके मेरा इनपुट वायर ये जो है ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। इसको यहाँ पे लेना है माइनस पे और ये एक प्लस पे। तो अगर यदि किसी को समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं बता दूँगा। और अगर यदि चैनल पर सर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अब हम इसको पैनल पे बोर्ड पे सेट करता है। अब दोस्तों इसको हम इस पर घुसा के एक तरफ इधर लॉक कर दिए। अब इसको हम ऐसे सीधा करके ऐसे फिट कर देंगे। उसके बारीकी से नट को हम टाइट कर लेते हैं। उसके बाद फाइनली दोस्तों अब हमारा बोर्ड कंप्लीट हो चुका है और देख सकते हैं जैसे कि आप, ये हमारा बोर्ड है और ये मैंने इनपुट वायर निकाल दिया है, देख सकते हैं। अब इसको हम चेक करके देख लेते हैं।